शिव महापुराण में वर्णित है कि भगवान शिव के अनेक अवतार हैं। उन अवतारों में से एक है पिप्पलाद। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम महादेव के पिप्पलाद अवतार की कथा आपको बताते हैं। ये बात उस समय की है जब वृतासुर नामक एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और उससे हरा पाना देवताओं को लगभग असंभव हो गया था। वृतासुर को आखिर क्या ऐसा वरदान प्राप्त था जिसके कारण वह इतना शक्तिशाली बना था? इसका कारण जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां हमने विस्तार से इस कथा का वर्णन किया है। तो अब हम वापस आते हैं हमारी कथा की तरफ। वृतासुर को हराने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की रीढ़ की हड्डी के इस्तेमाल से वज्रास्त्र का निर्माण किया था, जिसके माध्यम से इंद्रदेव ने वृतासुर का वध किया था। इस वज्र का निर्माण होने हेतु महर्षि दधीचि ने अपने प्राण का बलिदान दिया था, और यह बात जब उनकी पत्नी सुवर्चा को पता चली तब उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि उनके गर्भ से महादेव के अवतार जन्म लेंगे, और उस समय वह एक पीपल के पेड़ के नीचे थी। पीपल के पेड़ के नीचे महादेव के अवतार को जन्म देने के कारण ब्रह्मा देव ने इस अवतार का नाम पिप्पलाद रखा था, और उसके कुछ क्षण बाद ही सुवर्चा का प्राण निकल गया। इसके कारण पिप्पलाद माता और पिता के प्रेम से वंचित रह गए, और जब वे बड़े हुए तब भी उनको इस बात से असमाधान ही रहता था कि उनको यह कष्ट आखिर क्यों भोगना पड़ा। इसका जवाब ढूंढते ढूंढते वे देवलोक पहुंचे और उन्होंने यह प्रश्न देवताओं से किया। तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि उन्हें यह कष्ट शनिदेव के वक्र दृष्टि के कारण भोगना पड़ा। जब यह बात पिप्पलाद को पता चली वे शनिदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना ब्रह्म दंड उठाकर शनि पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव उस प्रहार को सहन नहीं कर सके और डर कर भागने लगे। तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्म दंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, और अंत में उस ब्रह्म दंड ने शनिदेव को अपने ग्रह की दिशा से बाहर निकाल दिया। इसके तुरंत बाद सभी देवता वहां प्रकट हुए और उन्होंने पिप्पलाद से विनती की कि वे शनिदेव को क्षमा करें। उसके बाद उन्होंने शनिदेव को क्षमा करते हुए उनसे यह वचन लिया कि वे किसी भी नवजात शिशु या एक व्यक्ति जो 16 साल की उम्र से नीचे हो उस पर कभी भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे, और शनिदेव ने इस वचन को उनकी स्वीकृति दी। तभी से पिप्पलाद अवतार का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है।